शृणन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेदा पुनीहि मा जात वेदा पुनीहि मा ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। परम चेतना के धनी युग दृष्टा युग पुरोधा जिन्होंने देश और दुनिया को योग जैसा महनीय जान दिया, योग का तथा अध्यात्म का, अपनी ऋषि परंपरा का, वेद की परंपरा का, भारतीय चिकित्सा भारतीय शिक्षा का, जिन्होंने प्राचीन काल की शिक्षा संस्कृति को अर्वाचीन काल में पूर्ण प्रमाण के साथ पूर्ण तथ्य सत्य के साथ संसार के सामने रखा, ऐसे हम सब के आराध्य हम सब के स्तुत्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी जैसे ऋषियों के जान को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य श्री जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, उनकी प्रेरणा को प्रणाम करते हैं। यहां इस अनुष्ठान में जो एकात्म भाव से गुरु का प्रतिरूप बन करके, गुरु के सच्चे सिपाही बन करके हमारी प्रांत की पूरी टीम तथा सभी कार्यकारिणी सदस्य इस पूरे अनुष्ठान में जो प्रभात से योग और अध्यात्म का और निरंतरता के साथ जो यह अभियान चल रहा है पूरे इस महाराष्ट्र में और यहाँ इस अध्यात्म की नगरी महाकाली जो जगदम्बा का यहाँ सबको आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी इस धरा को और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ हृदय की गहराइयों से। आइए उस परमात्मा को स्मरण करते हुए कि हमारा जीवन हमारा यह संपूर्ण अस्तित्व पूर्ण कृतज्ञ भाव से आप्लावित होकर के जो कुछ भी सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है, माता पिता ने दिया है, गुरु ने दिया है, जो सामर्थ्य संसार से हमको समाज से मिला है उसको हम श्रेष्ठतम बनाते हुए जीवन और जगत का कल्याण करें। और प्रभु सबसे निकट है हमारे, प्रभु गुरुओं का भी गुरु है, हमको समर्थ गुरु मिला है, समर्थ हमको शक्ति मिली है। ये जो संस्थान है संगठन है ये आज हम इस सेवा को कर रहे हैं तो इसमें आप अभी सुन रहे थे तो ये जन्म जन्मांतरों की हमारी पुण्याई है। हमने जन्म जन्मांतरों में ऐसा कार्य किया तो ऐसे गुरु मिले और ऐसा संगठन मिला जो एक बहुत दिव्य परिवार है, चाहे भारत स्वाभिमान हो, चाहे पतंजलि योग समिति हो, चाहे महिला पतंजलि योग समिति हो, युवा भारत हो, किसान सेवा समिति हो, सोशल मीडिया हो, केंद्रीय स्तर से लेकर के राज्य और जिला तालुका और गांव गांव तक जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, वास्तव में निष्काम निस्वार्थ
निरहंकार भाव से यह परोपकार का, सदाचार का, सद्व्यवहार का, सत्संस्कार का कार्य है। तो हमको आशीर्वाद तो हरिद्वार से परम पूज्य गुरुदेव का मिला ही है, आचार्य जी का भी सूक्ष्म आशीर्वाद तो हमारे साथ है, पूजा दीदी का आशीर्वाद है, फिर भी हमको जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उसको हमको कई गुना बढ़ाना है। क्या करना है? कई गुना बढ़ाना है। वो कई गुना कैसे बढ़ेगी? वो हमको जैसा गुरु हमको आदेश देते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उसको वैसा जीना और जी करके फिर हमको वैसा सामर्थ्य, गुरु जैसा चाहते हैं, गुरु जैसा जीते हैं, वैसा सामर्थ्य हमको मिल जाता है। हमें बहुत, आप गीत भी गा रहे थे, हमारी श्रद्धामयी बहने और ये हमारी विदुषी बहन सुवर्णा, नाम है सुवर्णा है, सोने चांदी से कोई मतलब नहीं, जीवन को सोना बना रही है। हा? तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके सृजनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव ने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके सृजनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो
और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। हमारा जीवन सार्थक हो, अगर हम किसी के काम आते हैं, हमारा जीवन जब दिव्य होता है, हम दूसरों की सेवा के लिए समर्थ होते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है। और यदि केवल अपने स्थूल वस्तुओं की, स्थूल पदार्थों की कामना में, उनकी चाहना में हम लगे रहते हैं, तो हमारे जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सब करते हैं। तो हमारे जीवन का उत्कर्ष, हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम पवित्रता, क्या है? परम पवित्रता। और परम पवित्रता से ही हम जीवन को दिव्य बनाते हैं, जीवन हमारा धन्य हो जाता है। हम अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं, अलग अलग हमारा उत्तरदायित्व है, ड्यूटी है। और एक एक व्यक्ति के बहुत सारे कार्य, बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, उनको वहन करना, ये परम कर्तव्य है। लेकिन ये संसार और शरीर, क्या कहा? संसार और शरीर, इसका संतुलन बनाना, ये परिवार का संतुलन बनाना, ये भौतिक उन्नति है। क्या है ये? भाई हमारा शरीर अच्छा हो, निरोगी रहे, रोगी ना हो, हमारा ये संगठन, हमारा ये संस्थान, हमारा घर परिवार संतुलित रहे, हमारे जो विवाहित हैं दाम्पत्य जीवन जीते हैं, तो उनके लिए सर्वप्रथम उनका ये कर्तव्य रहता है कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारी संतान सुखी हो, हमारा संस्थान जो गृहस्थ रूपी संस्थान है उसमें कोई न्यूनता ना आए, ये है, होना चाहिए। जब हम संस्थान की चर्चा करते हैं, किसी अनुष्ठान की चर्चा करते हैं या संगठन की चर्चा करते हैं, तो वो जो घर परिवार है उससे ये बड़ा रूप हो जाता है, होता है कि नहीं? तो हमारी जिम्मेदारी फिर ये होती है कि अपने परिवार को अच्छा रखना, व्यवस्थित रखना, संगठन को अच्छा बनाना, संगठन में कोई न्यूनता ना हो। ये इतना सुंदर परिवार है, और इस परिवार का जो आधार है वो क्या है? योग। इस परिवार का आधार क्या है? और हमारे गुरु ने, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जो जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं वो हमारे गुरुदेव हैं। तो जैसा उनका जीवन है, जैसी उनकी मति है, जैसी भक्ति है, जैसी कृति है, जैसी स्मृति है, हमको भी वैसा जीने का प्रयत्न करना है, अपने गुरु के प्रतिरूप हो जाएं। हम चाहे चंद्रपुर में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे कानपुर में हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, अपने जीवन को अपने गुरु को मूल में रख करके, उस प्रभु को मूल में रख करके जीना चाहिए। फिर कभी धोखा नहीं होगा। और प्रभात में मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा तन मन स्वस्थ हो, वतन स्वस्थ हो, योग मूल में हो, और ये सारा जो परिवार अंदर भी है हमारे, हमारे अंदर भी क्या है? एक परिवार है। और उनमें बड़ी खींचतान कभी कभी हो जाती है। सप्तऋषि हमारे शरीर में रहते हैं, क्या रहते हैं? सप्तऋषि। और जो इन ऋषियों का अनुकरण करता है, इन ऋषियों के अनुगमन में चलता है, वेद अनुकूल आचरण करता है, वो देवत्व से युक्त हो जाता है, वो साक्षात देवी, साक्षात जगदम्बा, जगत जननी बन जाती है, साक्षात नर से नारायण बन जाता है। लेकिन अगर इनमें असंतुलन हुआ,
इनके स्वरूप को, इनके कार्य को हमने नहीं जाना, नहीं माना और मनमानी कर दी, तो नादानी हो जाती है, वो शैतानी हो जाती है, जिससे हमारे जीवन और जगत की बड़ी हानि हो जाती है। सप्तऋषि क्या है? दो आंखें। दो आंखें क्या है? दो है ना, अभी दो की गिनती की नहीं ना। दो आंखें, दो कान, दो नासिका है और एक मुंह, कितने हो गए? सात हो गए। ये सात ऋषि हैं। ऐसे तो सप्तऋषि और स्थूल रूप में हुए, सप्तऋषि तारा भी होते हैं, लेकिन इस जीवन को पहले समझ लेना, इस पिंड को पहले समझ ले तो ब्रह्मांड अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सात ऋषि, ये मैंने नहीं खोज की, ये ऋषियों ने कहा है, वेद ने कहा है, और जो इनका नियमन करता है, संयमन करता है, वो चाहे कहीं रहे, वो अकेले में रहे, मेले में रहे, झमेले में रहे, वो कभी हताश निराश नहीं होता, उसके जीवन में दिव्यता रहती है। आंखों से भद्र देखना, कानों से भद्र सुनना, नासिका का जो प्रयोग है, गंध, दुर्गंध, सुगंध, जो भी सुगंध का लेना, रसना का दो काम है, बोलना और खाना, चखना। भद्रम करने भी श्रुणियाम देवा, भद्रम पश्येम क्षभिरिजत्रा। हम आंखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने, ये दो चीज नियंत्रण में नहीं आती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, संगठन टूट जाता है, संस्थान भी टूट जाता है। दो चीजें, फिर कैसे? कानों को खोल करके रखिए, और बहुत सारे शब्द संसार में मिलते हैं हमको सुनने को, मिलते हैं कि नहीं, जाने अनजाने। अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, समय ज्यादा नहीं, लेकिन संकेत कर रहा हूं आपको, सप्तऋषियों से परिचय आपका करा रहा हूं। बहुत सारे शब्द सुनने को मिलते हैं, भलाई भी सुनने को मिलती है, बुराई भी सुनने को मिलती है, आपको मान के शब्द भी सुनने को मिलेंगे, अपमान के भी शब्द सुनने को मिलेंगे, आपको कलंकित करने के शब्द सुनने को मिलेंगे, आपको अलंकृत करने के शब्द सुनने को मिलेंगे, आपको दुखी बनाने के लिए शब्द सुनने पड़ेंगे कि मैं ऐसे शब्द बोलूं कि दुखी हो जाए, और कुछ लोग आपको सुखी करने के शब्द बोलेंगे। मैं एक व्यक्ति से लेकर के पूरे घर परिवार और संसार संगठन पूरी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना? इतनी बात समझ ली तो कहीं भी आप फिट हो जाओगे, अनफिट नहीं होगे, हिट हो जाओगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। शब्द सुनकर के व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, होता है कि नहीं? अभी दो चार मैं धमकी लगाऊंगा आपको, नहीं लगाऊंगा, नहीं खूब अभी फटकार लगाऊं तो कई लोग तो तुरंत उठ करके चले जाएंगे, क्यों? अरे ये हम तो प्रवचन सुनने को आए, हम तो कुछ अच्छी बात सुनने को आए, ये क्या सुना रहे हैं स्वामी जी, अरे सन्यासी होकर के नाराज हो रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। कुछ शब्द हमारे जीवन में आग लगा देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे पड़ते हैं जो सूखे जीवन को हरा भरा कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? इसलिए कानों को खोल करके रखना, लेकिन वैसे शब्द ही आपके कान में पड़े जो आपके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए होने चाहिए। तो फिर स्वामी जी क्या करें, कान को बंद कर लें क्या? बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करने के लिए होते तो कुछ भगवान ढक्कन इसमें लगाता, कुछ जो है ढकने के लिए, कि जब मना टाइट कर दो, जब मना खोल दो, है कि नहीं?
कभी शब्द, अब ये तो पता नहीं कब किसके मुख से क्या शब्द निकल जाए जो आपके लिए अमृत के समान हो जाए। तो अमृत और विष दोनों ही मंथन से निकले हैं ना, निकले कि नहीं निकले। कांटे और फूल दोनों एक ही डाल में होते हैं, होते कि नहीं होते। आपको क्या चाहिए, व्हाट इज योर विश, व्हाट इज योर हाँ मतलब एमिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। आपको दोनों मिलेंगे, संसार में भरा पड़ा है। अच्छे शब्द आपको चाहिए या बुरे शब्द चाहिए, बोलिए ना। अच्छे शब्द तो सब तो अच्छे अच्छे नहीं बोलते, अच्छा बोलने वाला भी कभी बुरा बोलता है, बोलता है कि नहीं। तो फिर किससे अपेक्षा करें। इसलिए अपने माइंड को सेट करना है, अपने इस दिमाग को, दिलो दिमाग को सेट करना है। इसमें जो है ना वो लगाना है ब्रेकर है, इसमें छन छन के आए वो फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है? फिल्टर लगाना है। और फिल्टर लगा ली, ये बातें आपको शास्त्र में संकेत में मिलेंगी। मैं थोड़ा सा उसको विस्तृत बता रहा हूं, और मैं भी जो बताता हूं ना वो ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। ये सब जो बोल रहा हूं पहले कभी नहीं बोला, लेकिन ये हृदय में आ रहा तो बोल रहा हूं आपको। ये हृदय में आ रहा है कि जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए, संसार में विष भी है अमृत भी है, क्या पान करना है हमको, कैसे जीवन का जीवन यापन करना है, उसको हमको समझना पड़ेगा। शब्द व्यक्ति के लिए तलवार का काम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, और शब्द व्यक्ति के लिए घाव में मरहम का काम करते हैं, करते ना। अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तलख है जिनकी जुबां, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबां। जो मधुरता है, जो पवित्रता है, जो समरसता है, ऐसा शब्द व्यक्ति को उन्नत बनाता है। शब्द वही ब्रह्म, शब्द को क्या कहा, ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। ये एक बार निकल गया तो कभी मिटता नहीं है। तो इस शब्द को, इस कान को, मैं शब्द यही बोलते ना, ये ब्रह्म है ना, और ये सप्तऋषि है, गणना इसकी है ना। तो ऐसे शब्द बोलिए, ऐसे शब्द सुनिए जो आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके संगठन के लिए, आपके संसार के लिए दिव्य हो जाए। ऐसे शब्द कभी मत बोलिए, ऐसे शब्द कभी ना सुनिए जो आपके लिए कल्याणकारी ना हो। अच्छा, आप किसी को कुछ गलत शब्द बोल दें, आप सुखी रहेंगे,